हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयू का एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग योर एग्जाम। एग्जामिनेशन को लेके सीयू की तरफ से अभी अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें आपके एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया गया है। याद रखिएगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी सीयू के किसी भी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर्स में हो। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, यदि आप सिक्स सेमेस्टर में हो, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यदि आप सीयू के अंदर में कोई भी सप्ली खा के बैठे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, ये पर्टिकुलर वीडियो आप ही के लिए। इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, और एक अलग से एक और पार्ट दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया आंसर बुक के लिए क्या नोटिफिकेशन, क्या आप लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। देखिए, कई सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको पता है वही से नॉर्मल बातें लिखी गई हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है कि आप जब भी जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, यदि सर आपका यदि फोटो सिग्नेचर उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आप पहले रिपोर्ट करोगे, उसके बाद फिर आप वहां से मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मतलब सीयू की तरफ से पहले पहले उसका ऑथराइजेशन लोगे, तब जाके आप एग्जामिनेशन में जाके बैठोगे। फिर यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कैंडिडेट आर और प्रोड्यूस देयर एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड साइन देयर नेम ऑन व्हेन डायरेक्टेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपका टीचर से भी मांगे, तो आपको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एडमिट कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और साथ ही साथ आपको पता है कि दुकान जो 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 सेंटर में आपका एग्जाम पड़ता है, उस सेंटर्स का जो डोर है वो 15 मिनट पहले खुलेगा आपके एग्जामिनेशन के, और आपके एग्जामिनेशन का जो टाइम है उसके 15 मिनट बाद यदि आप जाते हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, आपको एग्जाम में बैठने ना दिया जाए। ये रूल नंबर 6 है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि आप भाई वो सुट्टा मत मारना, वो जुआ केसरी मत खेलना है, सब ये सब चीज लिखा गया है। कोई भी डिवाइस वगैरह मत यूज करना जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो या फिर आपका स्मार्ट वॉच हो, ये सब चीज यूज नहीं कर सकते आप। ये सब चीज एकदम सिंपल सिंपल बातें दी गई हैं, आप आराम से देख सकते हो। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? ये पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा सर? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जरूर से पढ़ लेना, जितना भी पॉइंट है, मैंने जो मेन मेन पॉइंट है मैंने मैंने आपको बता दिया, बट आपको एक बात जरूर से रीड कर लेना चाहिए, स्पेशली बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर आपका एग्जाम, ठीक है। उसके बाद यदि बताया गया है कि भैया आप जब भी लिखोगे, तो याद ध्यान रखना आपके जो आंसर शीट में आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप मेंशन करोगे, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा, आपको नाम, कॉलेज का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है क्या? यस सर। आप कोई भी उल्टा फुलटा बात, कोई भी उल्टा फुलटा वल्गर बात, कोई कोई रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात, ये सब चीज मत लिख देना। कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते आप। लिखोगे तो हो सकता है आपका पेपर कैंसिल हो जाए, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। फिर बताया गया कि आप जब भी लिखोगे तो दोनों साइड में लिखोगे, पेज के दोनों साइड में लिखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेज में लिखो फिर सेकंड पेज लिख दो फिर छोड़ दो फिर थर्ड पेज लिखो, ये नहीं होना चाहिए भैया। आप दोनों पेज के दोनों साइड में आप लिखो। और उसके बाद एक और अच्छा बात बोला गया है कि हर एक पेज में एटलीस्ट कम से कम 20 20 लाइन्स पेज कंप्लीट करो, उसके बाद ही पढ़ो। होता क्या था, बच्चे क्या करते थे, दो दो लाइन लिखे, मान लो क्वेश्चन खत्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन दूसरे पेज से चालू कर रहे थे। अभी ये वैसा नहीं करना, अपने को क्या करना है, 20 लाइन जैसे खत्म हो उसके बाद आप सेकंड पेज लेने का कोशिश करना, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन हुआ आपके रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। जरूर से इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी जो एग्जाम में बैठोगे उसमें क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।